ओके, नहीं सर, यही था। तो आज हम बात कर रहे हैं पावर बीआई में कैलकुलेशन का, कि कैसे हम पावर बीआई में कैलकुलेशन करेंगे। और अगली कुछ क्लासेस सिर्फ कैलकुलेशन की होगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा और आपके जितने भी और भी ये है क्वेश्चंस है वो समझ में आ जाएगा। साथ में मैंने जो आर्टिकल दिया था आपको, पीडीएफ फाइल और लिंक जो दिया था उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हमारे साथ कैलकुलेशन में बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल जिससे मतलब कि आप किस तरह से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर का यूज करते हैं। ये पावर होता है, ठीक है। ये चार ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम आपके साथ बताते हैं। जैसे आपने डेटा को लेके आया पावर बीआई में, आपका डेटा यहाँ पे दिख गया, बट आपका डेटा जो है सही तरीके से नहीं। जैसे कि यहाँ क्वांटिटी है, एमआरपी है, बट इसका टोटल अमाउंट नहीं है। ए अमाउंट जो है वो रेट का अमाउंट है, अलग अमाउंट है। हालांकि मैं मान लीजिए मैं इस अमाउंट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मैं इस तरह से मैं पावर बीआई में किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। क्या हम किसी रो को डिलीट कर सकते हैं? किसी रो को हम डिलीट किया जा सकता है। तो कोई भी रो या कोई भी डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो डिलीशन होगा वो सिर्फ पावर बीआई पे होगा, आपका ओरिजिनल डेटा पे नहीं होगा। तो ऐसा मत घबराइएगा कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। नहीं, ओरिजिनल डेटा डिलीट नहीं होगा। असली कैलकुलेशन में हम नया कॉलम ऐड करते हैं। हम चाहते हैं कि एमआरपी और क्वांटिटी को आपस से मल्टीप्लाई करके हमें अमाउंट निकाला जाए। तो जैसे पावर बीआई के डेटा पे आते हैं तो यहाँ पे कॉलम टूल्स आपको दिखता है, उसमें आपको न्यू कॉलम होता है। न्यू कॉलम में क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक ऑपरेशन आएगा और यहाँ पे वन और यहाँ पे कॉलम दिखाया है। ये जो कॉलम दिख रहा है ये आपके यहाँ जो कॉलम का हेडिंग है, नेम है, इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी और एमआरपी को ले सकता हूँ, तो क्यू क्यू आई इस तरह से लेंगे। अब इस तरह से देखिए पूरा रेफरेंस हुआ सीट क्वांटिटी। अब जरूरी नहीं कि सीट होना ही चाहिए, मैं डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, इसका ध्यान रखिए। फिर मल्टीप्लाई बाई हमने यहाँ पे दे दिया एम आर पी, राइट, और फिर यहाँ पे एंटर करें। जिसको आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा कैलकुलेशन शो कर देगा, और यहाँ भी आएगा और साथ में यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले आप अपने डेटा के फील्ड टाइप को समझ लें। फील्ड टाइप जो है बेसिकली तीन चार तरह के होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट, जैसे पूजा है, ये है सिटी है, एरिया है, ये आपका टेक्स्ट है। देखिए टेक्स्ट जो भी कर्सर होगा उसके आगे किसी तरह का सिंबल नहीं होगा। ये आप यहाँ डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको देखिए एरिया सिटी नेम, इसके आगे किसी तरह का कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट है। और जैसे ही साइन ऑफ का सम ऑफ का सिंबल लग गया, इसका मतलब है वो नंबर है। और जिस पे कैलेंडर लग गया वो डेट है, और जिसमें ग्लोब का आ जाता है वो आपका मैप डेटा होता है, मतलब कि लोकेशन होता है। और जिसमें इस तरह का कैलकुलेशन का ऑप्शन आता है, कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि उस कैलकुलेट की गई नई फील्ड है। आप डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ राना डेट चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहीं पे डेटा को समराइज भी कर सकते हैं। जैसे डॉन समराइज दिख रहा है, मैंने इसको समराइज, हमने इसको काउंट कर दिया, नहीं यहां पे इस समराइज में बाद में बताता हूँ, अलग नहीं। फिर हम कैलकुलेशन से प्रोग्रेस में आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नया कॉलम ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे मान लीजिए इसका परसेंटेज निकालना है, मुझे इसका जीएसटी निकालना है। फिर वापस हमने न्यू कॉलम ऐड किया और यहाँ पे जीएसटी लिखा और यहाँ हमने टोटल,
मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे मान लीजिए 18% लिख रहा है तो मैं 18% से नहीं लिखूंगा। अगर इस तरह का परसेंट का सिंबल आप देते हैं तो ये आपका 0.18 देना पड़ेगा। मतलब यार फिर अगर आपको इस तरह का परसेंटेज में कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है तो उसको ब्रैकेट में डालें और उसको मल्टी डिवाइड बाय 100 करें। ओके, ये आपका आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है मुझे इसमें डेसिमल नहीं चाहिए, डेसिमल हटाना है, तो इसमें आप अपने फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में होता है इंट फंक्शन, इंट फंक्शन यहाँ दिया होता है, एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आते हैं, तो इंट फंक्शन के अंदर इसको डाल दिया तो यहाँ पे आपके सामने इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। या राउंड डाल दीजिए, राउंड भी इसमें वर्क करता है। उसके बाद मैं मान लीजिए एक और ग्रांड टोटल लेना चाहता हूँ, और मैं इसमें जो हमने कैलकुलेट किया उसको सम करना है, मतलब मुझे टोटल को प्लस जीएसटी वापस से सम करना है। तीस तरह की चीजें आप यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है इम्तियाज जी और अंकित जी, तीस तरह के आप फॉर्मूला कंप्लीट आ रही टैब की से आ रहा है ना? जो भी हम फॉर्मूला बताता हूँ इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ, मान लीजिए जी टोटल आ गया। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट निकालना है क्योंकि रेट एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे टी कॉस्ट निकालता हूँ, सॉरी स्केप मार दिया था, टी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे चाहिए क्वांटिटी QTY लिया, अब यहाँ पे हम एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और मुझे ये चाहिए मैं टैग किया सिलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट दिया और यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक रेट ए भी है तो इसमें क्या एफएक्स लगाया है, एफएक्स का मतलब क्या फंक्शन है, इसको सिलेक्ट मत कीजिए। ए यहाँ पे रेट आया जिसमें इस तरह का टेबल का निशान, मतलब ये टेबल है, टेबल फील्ड है, क्लियर है सर, विदाउट इसमें? हेलो जी सर, नहीं ठीक है। इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप इसमें ले सकते हैं। ओके